प्रदेश में आज लॉकडाउन 5.0 का दूसरा दिन है। ऐसे में राजस्थान के सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। राजधानी जयपुर में भी प्रमुख पर्यटन स्थल हवा महल, आमेर, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, जंतर मंतर सहित सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जो एंट्री है वो शुरू कर दी गई है। प्रथम और द्वितीय सप्ताह में पर्यटकों की एंट्री निःशुल्क रखी गई है। पर्यटन स्थल सप्ताह में 4 दिन खुलेंगे। हालांकि पहले दिन इन स्थलों पर इक्का दुक्का देशी पर्यटक ही पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि कल यानी 1 जून से प्रदेश भर के पर्यटन स्थल खोल दिए गए थे, लेकिन पर्यटकों की जो आवाजाही है वो आज यानी मंगलवार से शुरू की गई। इस दौरान अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चौरण ने। सभी पर्यटन स्थलों को 1 जून से खोल दिया गया था, तो आज से पर्यटन स्थलों पर जो है पर्यटकों की एंट्री भी शुरू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2.5 महीने तक है ये राजस्थान के सभी टूरिस्ट स्थल है वो बंद रहे थे। अभी हम राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको दिखाना चाहूंगा नज़ारा। देख सकते हैं ये जो काउंटर है टिकट का वो फिलहाल बंद है, क्योंकि अभी पर्यटकों की जो प्रथम 2 सप्ताह है जिसमें 4-4 दिन ये संग्रहालय या पर्यटन स्थल है वो खुलेंगे, तो वहाँ पर्यटकों की एंट्री निःशुल्क रखी गई है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घेरे बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक यहाँ पर घेरे बनाए गए हैं। हालांकि आज जो है पर्यटक 1-2 पर्यटक जरूर पहुँचे हैं पहले दिन, बाकी पर्यटकों के लिए अभी राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट इंतजार कर रहा है, लेकिन पर्यटक अभी तक नहीं पहुँचे इतनी ज़्यादा मात्रा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टाफ की एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं कि कर्मचारी पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ एंट्री दी जा रही है। थर्मल स्कैनिंग होगी, ये स्टाफ की भी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट आएगा उसकी भी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसी के बाद जो है अंदर आने दिया जाएगा। इसके बाद जो है अंदर टूरिस्ट है जो घूमने जाएगा, तो इससे पहले कई तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, चूँकि राजस्थान के अंदर जो है कोरोना संक्रमण का खतरा है उसको कहीं ना कहीं बचने के लिए पूरी तरीके से इंतजाम किए गए। इसके अलावा यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा दिखाएं, जिसमें जो है कई तरह की गाइडलाइंस है वो यहाँ टूरिस्ट के लिए लगाई गई है। आप देख सकते हैं पर्यटकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्मारक में प्रवेश करने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा जो है हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, बिना मास्क जो है पर्यटक की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा कई तरह की जो है गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है, जिसमें पर्यटकों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि इस गाइडलाइन का आप पालन करें। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी ओर से जो राजकीय संग्रहालय जहाँ पर किस तरीके से एंट्री रहेगी, आप देख सकते हैं कि पहला वीक है जिसमें 4 दिन ये खुलेगा, उसका समय निर्धारित किया गया है 9 से 2 बजे तक। पहले वीक में पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी, उसके बाद दूसरे सप्ताह में भी पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी जिसमें 4 दिन खुलेगा, उसमें समय जो है 2 पारी में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा तीसरे वीक के बाद में जो है जो अभी शुल्क है उसमें 50% शुल्क के साथ पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। इस तरीके से जो राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है वो खुल चुके हैं, तो जयपुर के अंदर भी हवा महल की बात की जाए, आमेर की बात की जाए, सभी पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन टूरिस्ट अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी हम आपको अंदर लिए चलते हैं, अंदर भी बताएंगे किस तरीके से सेफ्टी के साथ में जो है यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो पिछले करीब 2.5 महीने से बंद था वो खुल चुका है, आज पर्यटकों की भी एंट्री शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से मास्क के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा म्यूजियम की बात की जाए, म्यूजियम में अभी टूरिस्ट जो है अभी पहुँचे नहीं है, हालांकि इक्का दुक्का 1-2 जरूर पहुँचे हैं सुबह से, वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर म्यूजियम में जो है अब पूरी तरीके से जो है कर्मचारी है उनको सेफ्टी पॉइंट के साथ खड़ा किया गया है ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। ऐसे में अब राजस्थान का जो टूरिज्म है उसको दोबारा खड़ा करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है, हालांकि अभी पर्यटकों की जो आवाजाही है उसको वापस पटरी पर लाने में समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है ताकि राजस्थान का जो टूरिज्म है वो दोबारा पटरी पर लौटे और पर्यटकों को इन जो राजस्थान की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनसे दोबारा रूबरू होने का मौका मिले। साथ ही राज्य सरकार की जो एक आय का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है राजस्थान का पर्यटन, गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थल की पहचान न केवल राजस्थान बल्कि विश्व भर में है, जहां पर हर साल लाखों की तादाद में सैलानी देखने के लिए आते हैं, लेकिन इन सैलानियों का भी राजस्थान के पर्यटन विभाग को इंतजार है। हालांकि आज लोकल 1-2 जो पर्यटक है वो पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना का डर अभी भी यहाँ पर लोगों में है, जिसका असर
यहाँ भी देखा जा रहा है, लेकिन सरकार ने ये प्रयास किया है कि पर्यटन स्थल है उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है ताकि लोग आए और धीरे धीरे ये गाड़ी पटरी पर लौटे। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ हनुमान सिंह चारण, एवन टीवी जयपुर। ढाई महीने के अंतराल के बाद हमने अल्बर्ट हॉल को आज टूरिस्ट के लिए फिर खोल दिया है। सबसे पहले हम टूरिस्ट का थर्मल स्क्रीनिंग गेट पर करवाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। टूरिस्ट की चेकिंग भी होती है कि उनके पास किसी प्रकार का गुटखा वगैरह, पान वगैरह या धूम्रपान की कोई चीज़ें उनके जेब में नहीं होनी चाहिए, और मास्क के वगैरह अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको हम अलाउ नहीं करते हैं। और अभी हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर चार या पांच लोगों का ग्रुप आएगा तो उसके साथ हम अपना गार्ड भेजेंगे, तो अंदर वो लोगों को चीज़ों को छूने से भी रोकेंगे, और अगले जैसे ही वो ग्रुप अगले गैलरी में शिफ्ट होगा तो मैसेज के साथ फिर हम दूसरे ग्रुप को अलाउ करेंगे।